राज्य सरकार द्वारा किए गए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने आज से हमीरपुर से एक पदयात्रा शुरू की। युवाओं ने इस पदयात्रा को छात्र सत्याग्रह का नाम दिया है। ये पदयात्रा 18 मार्च को शिमला पहुंचेगी और इस दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया जाएगा। युवाओं ने पुरानी भर्तियों को बहाल करने, चयन आयोग द्वारा विज्ञापित भर्तियां करवाने और आयोग के कार्यालय को फिर से बहाल करने की मांग उठाई है। बहुत सारी सरकारें आती हैं जाती हैं, कोई कहता है हमें बोला गया था कि पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी मिलेगी, हमें अभी तक नहीं मिली है 1 लाख नौकरी। और HPSSC को 60 दिन का समय दिया गया था, वो बदहाली जो हमारे साथ हुई है, जो हमारा हाल हो रहा है, ये सबसे बुरी बात है। और हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो है तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये हमारा यही एजेंडा है कि सरकार जो है वो हमारी बातों को सुने, क्योंकि जो एक वहाँ पे स्टाफ के मेंबर की गलती की वजह से जो यूथ है उसको सारा ही जो मैटर वो देखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हर यूथ का मेंबर जो है उसकी गलती तो है नहीं। तो सरकार है, सरकार वहाँ पे जो भी कल्प्रिट पाए जाते हैं तो उनको देखा जाए कौन कौन सी कल्प्रिट है, उनको बाहर निकाला जाए।